मरती हूँ हमेशा गोल गप्पों पर। मेरे तो फेवरेट है गर्मा गर्म समोसा, और मैं अकेले कर सकता हूँ 1v4 क्योंकि फौजी को है अपनी M4 पे अंधा भरोसा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिससे आप अपने बीजमाई खेलने के मजे को डबल कर सकते हैं, वो भी कैश रिवॉर्ड के साथ और हैकर और चीटर से भी छुटकारा। तो मैं बात कर रहा हूँ गेमर बोट की, यहाँ जिस पर बिलीव करते हैं 50,000 से भी ज्यादा गेमर्स और जहाँ 20,000 के टूर्नामेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर ही रहा हूँ, आपको भी बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करो, फिर साइन अप करो और उसके बाद आपको बहुत सारे फ्री पेड टूर्नामेंट मिल जाएंगे। और पेड खेलने वाली आर्मी को स्पेशली गेमर बोट 20 रुपी का बोनस दे रहा है। जल्दी से कोई भी टूर्नामेंट ज्वाइन कर लो। और ये देखो, तुम्हारे भाई ने टूर्नामेंट खेला था और टॉप में भी आया था। सच बताऊं तो बंदों को मारने के बाद टॉप में आने का अलग ही मजा है, क्योंकि जितने ज्यादा किल उतना ज्यादा पैसा। और सच बताऊं तो विनिंग देखने के बाद तो आप लोग चौंक ही जाओगे। लास्ट में दिखाता हूं विड्रॉल करके। तो यार आज मैं खेल तो रहा था डुओ वर्सेस स्क्वाड, लेकिन ये मैच शुरुआती में सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाएगा। साथ ही इस मैच में मेरा ऐसे ऐसे कैंपरों से सामना होने वाला है जिनसे बचना बोले तो भैया बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो सीन ये होता है कि हम लोग उतरे थे गोरे गोपाल पर, यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं उतरा था। तो फिर हम लोग लूटा लाटी करके डायरेक्ट सिटी की तरफ जाते हैं, और यहाँ आते ही मुझे सामने वाली छत में बंदे दिखते हैं। मैं क्या करे, पार कर लेते डैन मारते हैं। अब एक को मैंने डैमेज कर दिया था तो मैंने बोला रस फटाक से रस कर दो, लेकिन लेकिन रस करते टाइम मेरा टीममेट रस नॉक हो जाता है। खैर पबजी वालों ने पानी में रिवाइव करने का सिस्टम बना दिया है, तो मैं जैसे तैसे इसको रिवाइव करने लगता हूँ। हैकर है क्या? ये सामने से मार रहा है, फर्स्ट एड भी छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू। अब देखो यार, हैकरों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर कोई रियल बंदा भी मारे ना तो ऐसा लगता है कि हैकर ही मार रहा होगा। लेकिन इस बार सच में हैकर ही लग रहा था, क्योंकि यार हम लोग ऐसी जगह में थे जहाँ पे गोलियाँ पड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी पड़ रही थी। अब दे दो। अब मुझे लगा कि हो सकता है भैया वो हैकर ना हो, सिटी से उसको साफ साफ दिख रहा होगा तो वो एंगल बना के मार रहा होगा, इसलिए मैंने इसको कंधे में उठाया और कोपचे मिल जाने की कोशिश की। मैं गया। BSS यानी बेरी साइलेंट सप्रेसर वाली गन। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? साला आवाजें नहीं आती तो पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से गोली पड़ रही है। खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि यार वो बंदा बहुत गंदा डैमेज दे रहा था। लेकिन फिर जैसे ही मैं यहां आता हूं, तभी यही है ना, देखा। हाँ यही है सर, देखता मैं देखूं उसको। और अब समझ में आया कि साला ये बंदा हमें मार कहां से रहा था। चल लो, क्या उड़ गया। खैर इसको तो मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन तभी मुझे गोलियां चलने की आवाज आती हैं, तो मैं समझ गया था कि कोई बंदा बोट दादा के साथ अत्याचार कर रहा है। लेकिन यहां तो मामला भैया पूरा उल्टा था, बोट दादा बंदा के साथ अत्याचार कर रहे, क्योंकि शायद वो बंदा ऑफलाइन था। फिलहाल उनको भी निपटा दिया और इसकी भी पेटी बना दी। और फिर मैं ये बग्गी उठा के डायरेक्ट आ जाता हूँ गोरे गोपाल सिटी, और यहाँ आते ही मुझे सामने वाले घर से फुटस्टेप आती है, तो देखो अब आगे क्या होगा। छत पे है ना? अब इसको मैंने नॉक कर दिया और मौली की वजह से इसको कोई बचाने भी नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। ये
ओए डैड। बाबू मेरे लिए कुछ सुनाओ ना। अच्छा तुम्हारे लिए? हाँ। तो सुनो कि तुम्हारी आंखें एक झील है जिसमें डूबा मेरा दिल है। वाह वाह। कि तुम्हारी आंखें झील है जिसमें डूबा मेरा दिल है, और तुम्हारे दिल के कैस से मुझे चाहिए नहीं जमानत। तुम्हारे दिल के कैस से मुझे चाहिए नहीं जमानत। और मेरा चेहरा? अरे उसमें तो भर भर के लाना। गजब बेइज्जती है। अब यार मैंने तो सोचा था कि मौली की वजह से इसको कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन ये कृषि नाम की लड़की इसको बचाने जाती है। अब बताऊं ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, और लड़कियों की ये आदत होती भैया, ऐसा नहीं कि ये अकेली है। कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, वरना आप समझ जाओगे कि उसकी भी गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जब भी मेरे साथ खेलती है, और अगर उस टाइम मेरा दोस्त धोखे से भी नोक हो गया, तो ये आओ देखती ना आओ दर्जन भर बंदों के बीच में उसको बचाने जाएगी। अब इनको कौन समझाए कि भैया ये रियल लाइफ नहीं है, तुम्हारा बाबू सच में नहीं मर जाएगा। इतना ज्यादा भी क्या लॉयल पंती दिखाना कि खुद तो डूबो दूसरे के भी कंटेंट के लोले लगवा दो। राइट से चले जाओ। अब एक तो बंदा सामने लूटा लाटी कर रहा था, तो उसको तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, तभी उसका टीममेट मेरे ऊपर गोली चलाता है। यानी कि भैया ये पूरी सकॉर्ड है, तो अब दिमाग से खेलना पड़ेगा। और ये लो एक और लौंडा आ गया। किल चोरी तो नहीं हुआ ना? मिल गया। अरे नाइस डॉली। खैर इसको तो मैंने नॉक कर दिया, और अब बचा है ये वाला, तो मैं यहाँ आके बम बबूरा करता हूँ। और उठ जाओ। खुद की बुराई सहना हर किसी के बस की बात नहीं, पर सक्सेस होने से पहले मैंने दिल खोल कर सही। और बेटा फौजी की गन में इतना दम है जितना तेरी पूरी स्क्वाड में नहीं। क्यों हिला डाला ना? तो यार फाइनली इस टीम को भी मैं निपटा देता हूँ, और इसी के साथ किल हो जाते हैं मेरे 12। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल मेरे यारा। फिलहाल इनको निपटाने के बाद मैं जैसे ही ब्रिज में आता हूँ, तभी पता चलता है कि भैया ब्रिज कैंप हो रखा है। तो देखो अब आगे क्या होगा। हाँ बंदे भाई आगे पीछे भी चेक कर लेना, वो पहाड़ी ना लेफ्ट साइड पीछे पहाड़ी। कसम से ये बंदा एक गोली का बचा था। खैर उसको तो मैंने डैमेज कर दिया, लेकिन मेरे सप्रे करने के बाद कोई बंदा मेरे को मुंडे नहीं दिखाता। तो फिर मैं चुपके चुपके आगे जाता हूँ। पार देखना पैरों में अगर दिख रहे हो तो। ये रहा गाड़ी निकाल रहा। अब यार ये बंदा ब्रिज कैंप क्यों कर रहा था, क्यों मेरे सप्रे मारने के बाद मुंडी नहीं दिखाया, और क्यों अभी ये ब्रिज से चला गया? ये तीनों राज भी इसी के साथ यहाँ से चले गए। समझ ही नहीं आया कि आखिर सीन क्या हो रहा था। फिलहाल ब्रिज खाली हो गया था, तो फिर मैं भी यहाँ से निकलता हूँ और डायरेक्ट आता हूँ इस सरकारी ड्रॉप के पास। और MG3 है देखते। रिलोड कर रहा। छत पर आ गए क्या? हाँ छत पर है, जस्ट आपके इधर ही बैठा, नेट फेंक दो टकरा कर। अबे उसको कोई ने डैमेज दिया, डैमेज दिया। नाइस नाइस। कहाँ से पड़े? कहाँ से? अरे भाई चार चार बैठे रे। नीचे चले जाओ नीचे, या जोन में चले जाओ, वो खुद आएंगे।
अब यार वो चार बंदे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से उनको मार दूंगा तो भैया अपनी सोच बदलो। अब देखो यार, उनको मारना यहाँ से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो बचे कुचे बंदे बचे हैं उनको निपटा लिया जाए और इनको अपन लास्ट में देख लेंगे। इसलिए मैं गाड़ी उठा के डायरेक्ट मिलिट्री बेस की तरफ आता हूँ और यहाँ आते ही मेरा टीममेट ये कहता है, ड्रॉप पे भी हो सकता है, पीछे ड्रॉप गिरा है। ये ना सामने बंदा दिखा मुझे, इस ऑफिस के अंदर है, लेफ्ट साइड। अब इसने कहा कि सामने जो ऑफिस है वहाँ पे मैंने एक बंदे को देखा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ। पर यार यहाँ पे मेरे को कोई दिखा ही नहीं रहा था, लेकिन उतने ही में मुझे एक गाड़ी की आवाज आती है। अब यार हो ना हो ये गाड़ी वो सामने क्या बोलते हैं इसको, क्या लगा है ये, जो भी छतरी टाइप की लगी है वहीं पे रुकी होगी। और ये वही बंदे होते हैं जो कि पहाड़ी से मेरे ऊपर गोली चला रहे थे, तो मैं समझ गया था कि भैया ये चार हैं। इसलिए मैंने अपने बचे कुचे दिमाग का उपयोग किया और सोचा कि ये टावर में चढ़ जाऊं, क्योंकि यहां से मैं उनको आसानी से मार दूंगा। अब यार सामने भी बंदे थे, तो मैंने बोला भैया गाड़ी वालों को बाद में निपटाएंगे, पहले इनसे लड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर इनसे नहीं लड़ा तो मैं जोन में नहीं जा पाऊंगा। तो देखो भागे जा रहा। दो तीन फंस गए देखकर राइट से। हाँ राइट पे है, देखा वो घास में छुप रखा। एक काम करो लेफ्ट पे जोन में ले लो। अब घर में जब मैं खड़ा था तब तो लग रहा था कि मैं मार दूंगा इनको, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि सांप का चक्कर मुंह से टक्कर हो सकता है, इसलिए मैंने पीछे समो किया और आगे गया। हाँ ये देखो धुआं निकला। ये देखो सामने बंदा दिखा खिड़की पे। अरे नाइस, उसको रिवाइव करने जाएंगे। अरे नाइस रे। अब सामने गाजर घास वाले चाचा को मैंने नॉक किया, तो मैंने बोला भैया यही एक मौका है, फटाक से रस कर दो, लेकिन यहाँ पहुँचते तक शायद वो बंदा रिवाइव हो जाता है। मोली है, मोली डाल दो अंदर। देखकर राइट में वो वाला ना मारे, दो तीन है ना। अंदर चलो, खुले राइट का डर है मेरे को। अब सही है, अब सेफ है। एक नॉक निकल गया ना, लेफ्ट साइड पे टाइम है, सबसे लेफ्ट। साला कौन से कोने में बैठे हैं, नॉक ही नहीं हो रहे, और वो जो सामने नॉक किया था ना शायद वो भी रिवाइव हो गया। देखो स्मोक को रखा। खैर यार बम बबूरा खत्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि यार इन दोनों टीम की अगर आपस में मुठभेड़ हो जाए तो फिर मैं इन बंदों को घर में घुस के मार सकता हूँ। लेकिन यार अर्ज किया है कि हमें नहीं अच्छा लगता किसी लड़की को रोज देना। क्या भैया? अबे रोज रोज गुलाब की बात कर रहा हूँ।
कि हमें नहीं अच्छा लगता किसी लड़की को रोज देना, और जिसके पास गर्लफ्रेंड है उनसे बस यही कहूँगा, यार एक दो मेरे लिए भी खोज देना। तो यार यहाँ पे सांप का चक्कर मौत से टक्कर हो जाता है, पर आई होप आपको इस वीडियो में मजा जरूर आया होगा। चलिए मैं अब आपको गेमर बोर्ड से जीते हुए पैसों को विड्रॉल करके भी दिखाता हूँ। अब अकाउंट में मेरे हैं 3100 रुपए, तो 3000 मैंने निकाला और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक किया तो यहाँ पे UPI डालने को बोला, तो UPI डाला और फिर सिंपली यहाँ पे विड्रॉल में क्लिक कर दिया एंड विथ इन अ सेकेंड भाई मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो इससे अच्छा ऐप और क्या हो सकता है जहाँ गेम खेलने से आपको पैसे मिल रहे हैं। मैं भी यहाँ हूँ मुझसे ज्यादा रैंक करके दिखाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आया हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव ए सांस फूल गई रे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी। वो लव यू का जो सांस फूल गई वो भी डाल देना, ठीक है।